those with comorbidities, those with a particular age, senior citizens, उनके लिए ये और भी जरूरी है. But the fact that the number of cases are increasing in quite a few prominent and big countries of the world, from where travel is very common to our country, we should be really vigilant. बहुत सारा देशों में कोविड बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है. तो कोविड जैसे हो गया है, जैसे सीजनल डिजीज जैसा हो गया है. जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वॉज बिग फेलियर. उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है. अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है. इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए. एंड अगेन देयर दोज विद कोमोबिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी जरूरी है. और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए, इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है. एट दिस मोमेंट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड आर प्रीटी लेस इन दिस कंट्री, बट दैट डजंट मीन दैट वी बिकम कंप्लेसेंट. वी हैव टू बी केयरफुल. केसेस आर इंक्रीजिंग इन क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ऑब्वियसली द न्यूअर वेरियंट्स आर इमर्जिंग, सो वी शुड बी केयरफुल फ्रॉम नाउ. इज नॉट अ पैनिक सिचुएशन, बट we should be careful, we should be testing more, we should be having more genomic labs. All these things should start beginning. Obviously the government has to look into it. It's not really winters obviously is a respiratory virus, so it might happen during winters, but the fact that the number of cases are increasing in quite a few prominent and big countries of the world, from where travel is very common to our country, we should be really vigilant. There's no doubt about that. As I earlier said, no panic situation, but be careful. बहुत सारा देशों में कोविड बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है. तो कोविड जैसे हो गया है, जैसे सीजनल डिजीज़ जैसा हो गया है. इनमें एक देश का नाम मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा, चाइना. तो चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आई विल से कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कुछ डिसीशन प्रोबेबली वाज नॉट राइट. फाइन, जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर. वो लोग सोचे थे कि सब जो आवाम है सबको वैक्सीन दिया जाएगा 100% वैक्सीनेशन से, तो प्रोबेबली द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड. लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना का वैक्सीन इज़ नॉट इफेक्टिव. इनफैक्ट नन ऑफ द वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव. सो कोविड ऐसा एक बीमारी है जिसको आप वैक्सीन से 100% प्रिवेंट नहीं कर पा सकते, और साथ में जीरो कोविड पॉलिसी भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है, जो नेचुरल इम्यूनिटी कोविड होने के बाद किसी का होता है, वो आपका आवाम को नहीं होने वाला है. तो ये बैकफायर कर गया है चाइना में. सर, क्या इंडिया सेफ है? देखिए, सेफ है ये बोलना बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है. तो अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि देखिए दूसरा देशों में कोविड फिर से हो रहा है. तो उन लोगों का जो अभी क्या होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि म्यूटेशन हो रहा है. जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को म्यूटेशन के अंदर में जो चेंज कर रहा है. तो नॉर्मल हम लोग का जो इम्यूनिटी, जो रिस्पॉन्स अच्छा उन लोगों के लिए क्रिएट हुआ था, वो कभी कभी फेल कर सकता है. इस बीच में अगर देखा जाए कि मेजर अगर ड्रिफ्ट हो जाता है, एक बीच में एक नया वेरियंट अगर आ जाता है, तो अभी जो करेंट स्टेटस क्वो है उतना ज़्यादा हम लोगों को देश में नहीं हो रहा है, तो ये चेंज हो सकता है. तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि हम लोग सेफ हैं.